दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर कांग्रेस को लेकर उनके पूर्व सांसद संदीप दीक्षित का बयान सामने आया है। दरअसल संदीप दीक्षित का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गठबंधन पर स्थिति स्पष्ट कर दी है, लेकिन हमारी पार्टी का क्या फैसला है अभी ये उन्हें पता नहीं। संदीप दीक्षित ने कांग्रेस की तैयारियों और बैठकों को लेकर कहा, कई राज्यों में या तो चुनाव आ रहे हैं, उनके राज्यों के संदर्भ में और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हर राज्य में सिलसिलेवार अलग अलग मीटिंग हो रही है। हम लोगों को बार बार प्रेस के माध्यम से पता चलता है, वो लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ संगठन के लोगों को बुलाया जा रहा है। मुख्य काम लोगों के सुझावों को जानना है ताकि बेहतर तरीके से लोकसभा के चुनाव में लड़ें और जहां जहां राज्यों का चुनाव है वहां बेहतर तरीके से प्रदर्शन हो। बता दें, संदीप दीक्षित ने आगे कहा, अलायंस बड़ा बन रहा है, जिन राज्यों में गठबंधन की भूमिका है कईयों में नहीं है, लेकिन जहां है वहां ज्यादा लोगों से पूछेंगे कि उनकी राय क्या होगी, इन तीन चार विषयों को लेकर वहां चर्चा होगी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार की सुबह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं दिल्ली सर्विस बिल पर उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि अध्यादेश सही है, अरविंद केजरीवाल पर जो फंदा कसा था, जो भ्रष्टाचार के केस में फंसे हैं, अपनी जान बचाने के लिए वो अध्यादेश का विरोध कर रहे थे। जिस दिन उनके पास सर्विसेज का कंट्रोल आया था, उसी रात उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने वाले खुफिया विभाग का दरवाजा रात के 3 बजे तोड़ा और फाइलें गायब की थी। संदीप दीक्षित ने सीएम केजरीवाल पर हमला जारी रखा और आगे कहा, अगर उन्हें प्रशासन के लिए दिक्कत होती है तो सरकार चलाने में क्या दिक्कत थी, तो स्वास्थ्य विभाग जाते और शिक्षा विभाग में जाते। आप वहां गए जहां आपका गला फंसा हुआ था। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के प्रशासन से लेना देना नहीं था, वो अपनी जान बचाने के लिए ये कर रहे थे।